हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए त्रिभुज और चतुर्भुज क्षेत्रफल तथा परिसीमा अध्याय 15 स्वयं करें 15.4 का एक पहले सवाल देखेंगे। 10 एक समान माप के त्रिभुजाकार टुकड़े को सिलकर एक छाता तैयार करते हैं। प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े के तीन किनारों की लंबाई 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। छाता तैयार करने में कपड़ों का कुल कितना परिणाम लगेगा, ये परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम बनाते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो छाता तैयार किया गया है तो इस तरह के त्रिभुजाकार कपड़ा से तैयार किया गया, लेकिन ऐसा 10 टुकड़ा जो है लगा है। तो अगर मान लिया एक टुकड़ा का बात करते हैं तो ये समान टुकड़ा ऐसे ही इसी शेप साइज का 10 टुकड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला टुकड़ा में अगर देखें इसका पेरीमीटर, तो इसमें कहा 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अगर मान लिया जाए कि ये दोनों साइड समान है तो इसमें ये 50 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 50 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और इसका बेस 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इस तरह का कपड़ा है, ऐसा 10 कपड़ा है। तो 10 मल्टीप्लाई, अगर एक कपड़ा का एरिया निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा छाता जो बना है, इस पूरा छाता का क्या होगा, ये पूरा जो है छाता जो बना है इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो छाता जो बनाया गया तो इसमें ऐसा एक टुकड़ा हुआ, दो टुकड़ा हुआ, तीन टुकड़ा हुआ, ऐसे करते करते इसका 10 टुकड़ा इसमें शामिल है, है ना। तो एक टुकड़ा का हम निकालें तो ये देखिए, जो त्रिभुजाकार कपड़ा का आकृति है, इस आकृति को देख करके पता कैसा चल रहा है कि ये टुकड़ा का आकृति कैसा है। ये टुकड़ा का आकृति सम द्विबाहु त्रिभुजाकार है। तो सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम सूत्र पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर त्रिभुजाकार कपड़ा का समान भुजा को हम लोग ए मानते हैं। ए बराबर 50 सेंटीमीटर और इसका ये जो बेस होगा तथा आधार जो इसका होगा वो बी होगा और ये दिया 20 सेंटीमीटर। इसलिए ये जो एक टुकड़ा है इसका पहले एरिया निकालते हैं। इसलिए एक कपड़ा के टुकड़े का, एक ठोका निकाल रहे हैं हम लोग, टुकड़े का क्षेत्रफल। अब इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र है, 1/2 बेस इसका है 20 इंटू ए के जगह पर हम रखेंगे 50, तो 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस बी कितना है, 20 है, तो 20/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, 10 से काट दिए हैं, तो 10 इंटू अंडर रूट, अब इसमें हम करें 50 का होल स्क्वायर और माइनस 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट जब करेंगे तो 50 प्लस 10, अगर सूत्र में इसको बैठा दिया जाए 50 माइनस 10, 10 इंटू 60 इंटू 40 अंडर रूट। अब इसमें से जो बाहर निकलेगा निकाल लीजिए,
अब यहाँ से 60 है, यहाँ पे 40 है, तो इसमें 10 10 तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसको निकालते हैं, 10 इंटू 3 इंटू 2 इसको निकाल लिए हैं, और इसके अंदर आएगा 10 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें देखिए जो जो निकलने लायक है उसको निकाल लीजिए, कौन कौन सा निकलने लायक है। तो 10 इंटू, ये देखिए 10 10 बाहर निकलने लायक है, इसको बाहर निकाल लेंगे। 2 2 बाहर निकलने लायक है, 2 को बाहर निकाल लेंगे। और जो बाहर निकलने लायक नहीं है 3 इंटू 6, उसको अंदर ही रख देंगे। अब आया 200, 10 इंटू 10 100 इंटू 2। तो यहाँ पर ये जो है एक कपड़ा का एरिया हुआ, लेकिन ऐसा ऐसा कपड़ा 10 ठो मिला करके हुआ, ये वर्ग सेंटीमीटर हुआ, इसलिए छाता में लगे कुल 10 कपड़ा कितना लगा, 10 लगा का क्षेत्रफल, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 √6 इंटू 10, तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा, √6 वर्ग सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि एक छाता में टोटल कितना एरिया वाले कपड़ा लग सकते हैं। अब आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखिए। शकील ने एक रोम्बस आकार का कार्ड बनाया जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। गणना करके शकील द्वारा बनाए गए रोम्बस आकार के कार्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक रोम्बस है। रोम्बस हमें मालूम है कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस होता है कि वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो परंतु इसका कोई भी कोण समकोण ना हो। तो ये एक तरह का क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज भी होता है। अगर इसका एरिया निकालना चाहें तो अगर इसका बेस दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, तो आप बेस गुना हाइट को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं इसका एरिया कितना। लेकिन अगर विकर्ण आपको दिया हुआ है तब और भी आसान है। देखिए विकर्ण कितना कितना दिया है, एक विकर्ण मान लिया जाए ए बी सी डी, एक आपका रोम्बस है सामने में। इस रोम्बस में देखिए ये ए सी जो पहला विकर्ण है, इसका लंबाई अगर हम 12 सेंटीमीटर रखें तो दूसरा कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो डी वन डी टू यानी दोनों विकर्ण की लंबाई दे दी गई है। यहाँ पे लिखेंगे कि रोम्बस का प्रथम विकर्ण कोई भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे डी वन हम प्रथम विकर्ण को मानते हैं, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा रोम्बस का दूसरा विकर्ण डी टू बराबर कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर, यही तो है। देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसलिए रोम्बस का क्षेत्रफल बहुत ही आसान है। इसका सूत्र 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, डी वन इंटू डी टू, 1/2 इंटू डी वन के जगह पे 12 और डी टू के जगह पे 10। इसको काट सकते हैं, काट देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो है इसका एरिया निकल करके आ गया, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, इसका एरिया निकल करके आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया है, कि एक रोम्बस आकार के रंगीन कार्डबोर्ड तैयार करने में उसका परिसीमा लगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है 80 सेंटीमीटर, और विकर्ण का लंबाई 32 मीटर है। विकर्ण का लंबाई कितना है,
32 मीटर, लेकिन कोई एक विकर्ण का लंबाई दिया तो कार्ड के दूसरे विकर्ण की लंबाई यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा बात है। देखिए यहाँ पे एक विकर्ण का लंबाई दिया है और पूछा जा रहा है दूसरा विकर्ण का लंबाई, तब आप कैसे निकालेंगे? ए बी सी डी, ये मान लिया जाए एक रोम्बस आकार के कार्डबोर्ड है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पे आपको एक भुजा नहीं दिया बल्कि परिसीमा दिया और एक विकर्ण दिया। एक विकर्ण जो दिया है उसका लंबाई है 32 मीटर। तो हम जानते हैं कि दूसरा विकर्ण जो है ये रोम्बस को क्या करता है, लंबवत समद्विभाजित करता है। रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है और इसलिए तब ये 90 डिग्री होगा। और ये आपका जो अब कह रहा है कि लंबवत भी है और इसको समद्विभाजित भी करता है, मतलब दो टुकड़ों में भी बांटता है। तो दो टुकड़ों में अगर बांटता है तो ये आपका अगर बी डी 32 है तो आप बताइए ये कितना होगा, 16 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि 32 सेंटीमीटर दोनों मिला करके हैं, मतलब बी से डी तक, और ये आधा आधा में बांट दिया है। तो अगर हम इसका हाइट निकाल लें, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए ओ डी में अगर इसका लंब निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं लंब का दो गुना करने से, यानी ए ओ और प्लस ओ सी करने से क्या निकल जाएगा, दूसरा विकर्ण का लंबाई निकल जाएगा। और ए ओ जितना बड़ा है उतना ही क्या है, ओ सी है। ठीक है, तो हर हालत में हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज का लंब निकालना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पे दिया परिसीमा, गिवन रोम्बस का परिसीमा, परिसीमा कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। अच्छा रोम्बस का परिसीमा यानी 4 गुना एक भुजा। अब इससे क्या होगा कि एक भुजा का मान आप निकाल सकते हैं और एक भुजा निकल जाएगा, एक भुजा कितना निकलेगा, 80 डिवाइडेड बाय 4 काट देंगे बराबर 20 सेंटीमीटर। तो अब जब एक भुजा आपको पता चल गया तो ये होगा 20 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमको कोई एक त्रिभुज में अगर हम लंब निकाल लेते हैं तो सबके लिए वही हो जाएगा। सबके लिए कहने का मतलब चाहे इस त्रिभुज में निकालें, इस त्रिभुज में निकालें, इस त्रिभुज में निकालें, इस त्रिभुज में निकालें, जहाँ भी निकालेंगे आपको लंब निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम कोई एक त्रिभुज को चूज कर लेते हैं, त्रिभुज ए ओ डी में क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ डी में त्रिभुज ए ओ डी में ए ओ डी में बताइए ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। ए डी बराबर कर्ण, इसका लंबाई पता है 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये बेस का काम करेगा ओ डी, ओ डी बराबर आधार, इसका भी मान मालूम है 16 सेंटीमीटर। अच्छा अब जो है कर्ण ए ओ होगा, कर्ण कहते हैं ये लंब हो जाएगा ए ओ, ए ओ बराबर लंब होगा, लंब बराबर हमें मालूम नहीं है, अगर लंब निकल जाएगा तो उसी को दो से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा भी कर्ण निकल जाएगा। तो लंब निकालने के लिए जो सूत्र है वो बताइए, चूंकि लंब बराबर लंब स्क्वायर बराबर, चलिए लंब डायरेक्ट निकाल लेते हैं, स्क्वायर छोड़िए, लंब बराबर सूत्र है लंब बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका मान बैठा देंगे कर्ण के जगह पर, कितना बैठा देंगे 20 का होल स्क्वायर माइनस आधार के जगह पर कितना बैठा दें, 16 का होल स्क्वायर अंडर रूट
आप इसको अगर करें तो 400, इसको करें 16 गुना 16, 256। दस में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 144। अब देखिए 144 का वर्गमूल भी हम लोग जानते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो ये निकला 12 सेंटीमीटर, ये क्या निकला है, ये रोम्बस, जैसे ये है रोम्बस आपको, ठीक है। तो ये जो 12 सेंटीमीटर हम निकालें, ये लंबाई निकालें, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, तो हमको तो विकर्ण का लंबाई पूछा गया है, तो लिखेंगे इसलिए विकर्ण, दूसरा विकर्ण है ना, विकर्ण की लंबाई बराबर 12 प्लस 12, क्योंकि ये ऑलरेडी 12 है और ये भी कितना होगा 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक विकर्ण होगा। तो 24 सेंटीमीटर इसका लंबाई आ गया, जो कि विकर्ण का लंबाई है। अब इसका अगर एरिया पूछा तो एरिया भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें विकर्ण भी पता हो गया। तो इसका विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पूछा है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तथा अब देखिए, ये आपका 12 12 24 हुआ और इधर 32 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो तथा रोम्बस का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। 1/2 इंटू D1 कितना आ गया है, D1 अगर हम 32 को माने तो 32 को चलिए D1 मानते हैं, और जो अभी निकल के आया 24 वो D2 है, 2 से काट लेते हैं 12। अब क्या करें करना है, 32 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को क्या किए, 32 से मल्टीप्लाई कर दिए। तीन सौ चौरासी वर्ग सेंटीमीटर, 384 यहाँ पे निकल करके आ गया, ठीक है। जो इसका क्या होगा, जो इसका एरिया होगा, और एक विकर्ण की लंबाई, एक यहाँ आंसर आया, एक यहाँ पे आंसर आया, दो आंसर इसका हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।